तो गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देखते हो, ये मेरा फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सेकंड रूम है, अंदर जो दिख रहे हो फर्स्ट रूम है। टोटल 4 रूम्स है। और आप देखो, यहाँ से आप देख सकते हैं, मेरे पास अभी यहाँ पे वाइट ऑक्शायर फीमेल्स है, एक मेल है और एक लोकल फीमेल है। ठीक है, तो अभी ये सब अभी ब्रीडिंग पर्पस के लिए प्रेग्नेंट है। एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो इस रूम के अंदर है, अंदर अभी वो 10-15 दिन में निकालेंगे बच्चे। तो ये मिनी एरिया फार्मिंग है, गोवा में फार्मिंग है। और हम कौन से भी तरह की फीड डालते हैं, रेडीमेड फीड रहने दो या वेजिटेबल्स रहने दो या फिर किसके पत्ते भी रहने दो, तो ये सब हेल्दी। और हम लोग वॉशिंग भी करते हैं, थोड़ा उनको अच्छे मेंटेन में रखते हैं, अंदर रख के पालते हैं, क्लीनिंग करते हैं। और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखते हैं, लेकिन थोड़ा में रखते हैं, लेकिन जैसे हो मैनेज होता है वैसा करते हैं। उतना अभी हमको क्या है, अभी एक शौक है, ये करना है, पालना है, तो हम ये करते हैं। ठीक है, और आप कौन से भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको फीमेल्स, अगर आपको मांगते हैं मेल या फीमेल, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपको लेना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा फेसबुक का पेज है डायस मिनी पिगरी फार्म, मेरा यूट्यूब का चैनल है डायस मिनी पिगरी फार्म, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप कौन सा भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको पिगलेट्स मांगते हैं, मिक्स ब्रीड मांगते हैं, अगर आपको ऑक्शायर मांगते हैं, तो मैम हमारे पास अवेलेबल है, आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग दिस माई न्यू ब्लॉग। ओके सर, तुमका सगळ्यांक देव बरें करूं, म्हजो व्हिडियो चॅनल तुमकां पळयतल्यांक। दिस इज आवर कोंकणी लँग्वेज। और ठीक है सर जी, मैं ज़्यादा से वीडियो हिंदी, इंग्लिश और कोंकणी में बनाने के लिए सोचता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियोस ज़्यादा से आउट ऑफ गोवा जाते हैं। तो जो मेरा यूपी फार्म है, महाराष्ट्र फार्म है, पुणे में, वहाँ पे सब फार्म्स है। तो वो लोग देख के थोड़ा आइडिया भी लेते हैं, उनके साथ मुझे भी थोड़ा आइडियाज़ मिलते हैं। तो मैं ज़्यादा से हिंदी में बनाता हूँ, कोंकणी में और इंग्लिश में भी। ठीक है गाइस, लेकिन ये लोकेटेड है गोवा में। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।